अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज मैं आपके लिए बिल्कुल बेकरी स्टाइल केक रस की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप इसे ड्राई केक भी कह सकते हैं, केक रस भी कह सकते हैं। तो हम इसको बिल्कुल क्रिस्पी बेकरी स्टाइल में बनाएंगे, तो मेरी रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। तो अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक बाउल में 3 अंडे डाल लेने हैं। अभी इसमें ऐड कर रही हूँ अभी। और अब हमने इन्हें पहले मिक्स कर लेना है, देन विस्क कर लेना है अच्छे तरीके से। ये देखें, इस तरह से इसका कलर थोड़ा सा और पेल हो जाएगा। 1 टीस्पून अब इसमें वनीला एसेंस का हम डाल लेंगे और इसे मिक्स कर लेना है। 1 कप अब इसमें मैदा डाल देंगे और 1.5 टीस्पून हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। ये 1 चला गया और ये 1/2 और डालेंगे। और हमने इन सब चीज़ों को अगेन मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। इस तरह से डालने के बाद आपने इसे इस तरह से सेट कर लेना है। और अब मैं इसे बेक करने के लिए ओवन में रख रही हूँ 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तकरीबन इसे 35 से 40 मिनट तक हम बेक करेंगे। 40 मिनट गुजर चुके हैं और हमारा जो ड्राई केक है वो बेक हो चुका है। तो अब मैं आपको इसकी पीसीस करके दिखाती हूँ। तो मेन चीज़ है इसकी कटिंग, तो वो अब मैं आपको बताऊँगी कि इसकी कटिंग कैसे करनी है। सबसे पहले हम इसे मिड से कट करेंगे। तो ये हमने इसके जो 2 हिस्से किए थे, अब इसके आधे का भी हमने इसका मज़ीद आधा करना है। तो इस तरीके से हमने इसे दरमियान से अगेन कट कर लेना है आधे हिस्से को भी। इसके साइड पे ब्राउन कॉर्नर्स हैं, हमने उनको कट कर लेना है। दोनों साइड से हमने दोनों कॉर्नर्स को कट कर देना है और इसकी 4 साइड्स इक्वल कर लेनी है। और हमने इस तरह से इसके स्टिक स्टाइल में पीसीज रेडी कर लेने हैं। एक ट्रे में अब मैंने ऑलरेडी बटर पेपर लगा दिया हुआ है। इस तरह से इसके पीसेस करने के बाद आपने इसे बेकिंग ट्रे में सब पीसेस को रख लेना है। और अब इन्हें मैं अगेन बेक करूंगी 15 मिनट के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो एक साइड से जो है वो इतना अच्छा कलर आ चुका है, अब मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ और अगेन हम इसे 15 मिनट के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक करेंगे, ताकि दूसरी साइड से भी कलर आ जाए। तो हमारे बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म केक रस रेडी हो चुके हैं। ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। आपने इन्हें रूम टेम्परेचर पे कुछ टाइम के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देना है, तो ये और भी ज़्यादा मज़ीद क्रिस्पी हो जाएंगे। अब मैं आपको इसका एक पीस तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखें, बिल्कुल क्रिस्पी और बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।